अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन 133वां मनाया गया, जिसमें बंजारा हिल्स एन बी टी नगर इलाके में नौजवानों ने ये काम को अंजाम दिया। वाज़ह रहे कि आज आहिस्ता आहिस्ता जो संविधान बनाए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो सारे मज़हबों को इक्वल ताकत दिए और अपने अपने मज़हब के हिसाब से रहने की उन्होंने कानून बनाया, लेकिन मुल्क का एक कानून था सबके लिए, और ऐसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम भूल रहे हैं। बहरहाल, यहाँ के तंजीम ने इसको याद किया और आज बड़े पैमाने पर जन्मदिन मनाया। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताए गए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। आज एनबीटी नगर में हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन, 1993 से हम यहाँ एनबीटी नगर से धौरहरा और टाइम बोर्ड को हर साल ले जा रहे हैं, और इस साल पूरे बायां मेरे साथ मिलके आज 33 जन्मदिन का बाबा साहेब का आज यहाँ पर एनबीटी नगर पे जो अन्नदान कर रहे हैं, वो हमारे भाइयाँ पूरे मिलके सीनो और साहिदुलो यलेशना रामलो नवीन और जो भी हो लिंगेशना, हमारे पूरे इम्तिहान एनबीटी नगर के जो भी हो मेरे भाइयाँ संतु सब जने मिलके आज अन्नदान कर रहे, बोले तो हमारा दलितों का आज बहुत बड़ा त्यौहार है बोल के, वो त्यौहार में हम लोग मशरूफ रह के आज जन्मदिन उनका बहुत 133 का जन्मदिन का जो कर रहे त्यौहार, वो तो लोगा बोलेंगे राजा साहब राजांगम का लिखे सो बाबा साहेब अम्बेडकर बोलेंगे, मगर हम नहीं, ये हमारा नसीब है, हम वो दलित में पैदा हो सो हमारा कुछ नसीब में हम लोग आज 133 का जन्मदिन कर रहे, उसमें हम लोग बहुत मिलजुल के कर रहे, दलित मुस्लिम भाइयाँ पूरे मिलके और माइनॉरिटी बीसी एससी एससी सेल सब मिलके यहाँ बाबा साहेब का जन्मदिन कर रहे, 93 से कर रहे हम लोग, आज नया नहीं है, और आज इतने भाइयाँ मिलके आज कर रहे, बोल तो हमारा एनबीटी नगर आगे और बढ़ के और काम करना है, और हमारे को आने के हमारे ये महानीला संक्षेम संगम तरफ से हम जो सीएम को ले जाके हमारे को एक लेटर पैड दे के हम लेटर पैड दे के एक कमेटियाल हमारा दलितों के लिए कमेटियाल नहीं है एनबीटी नगर में, और एनबीटी नगर में कम से कम 1000-4000 गज चिलर ज़मीन पड़ी हुई है सरकार का, वो एक एमएलए साहब को नोटिस देंगे हमारे लेटर पैड पे, और हमारे जो सीएम साहब है हमारा मेयर है उन लोगों के दायरे से हम लोग पूरे कमेटी के लोग एनबीटी नगर के दलित संघाल से जाके उनको हम जाके हमारे कमेटी हाल के लिए त्याग करेंगे। हर साल की तरह ये साल भी आज हम लोग भाई बहन सब मिलकर हमारे बंजारा हिल्स इलाका रोड नंबर 12 एनबीटी नगर में महानीला संक्षेम संगम के तरफ से आज बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का 133वां जन्मदिन का सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
उनके जो काम किए हैं, उन्होंने बचपन से जो जो भी तकलीफें उठाए और राजांगम का जो निर्माण किया है उसके बारे में सबके घर घर और पहुंचाने के लिए ये संगम जो महानील संक्षेम संगम है वो रेडी है बोल के आपके प्रेस के मुख से बोलना चाह रहे हैं। और हम लोग हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बहुत सब भाई बहन अभी हमारे भाई जो बोले हैं उसकी तरह से हम लोग भी सब इकट्ठा होके आज हम लोग इधर बाबा साहेब जी का जन्मदिन का मना रहे और उसके साथ अन्नदान भी किया जा रहा है। इसके लिए सबको शुभकामनाएं देते हुए बधाई देते हुए मैं थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ। My name is Danish Kumar. I am standing here to speak few words about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a great leader of India. He was born on 14 April 1891 in Mau, Madhya Pradesh. His father's name was Ramji Molaji Sakpal. His mother's name was Bhimabai Sakpal. His full name was Bhimrao Ramji Ambedkar. He was also known as Baba Saheb. He was born in Meherkash. Dr. Ambedkar was very good in studies. He was the first producer who completed PhD in independent India. He was the first law minister in independent India. He died on 6th December 1956 in Sikkim. Jai Bhim. जय भीम। जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब का 133वां सालगिरह है, ये बर्थडे है उनका, तो वो सब मिलके हम धूमधाम से मना रहे हैं ये। और हमको बहुत खुशी है इसमें सब लोग मिलजुल कर ये जयंती मना रहे हैं। जय बाबा साहेब अंबेडकर का जय।